गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 वंशानुक्रम तथा जैव विकास। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं क्या होती हैं, विभिन्नताओं के संचयन से क्या हो सकता है, और गुणसूत्र जीन डीएनए प्रभावी तथा अप्रभावी जीन जीनोटाइप फिनोटाइप ये कुछ कंसेप्ट इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं हम वंशानुक्रम से। तो वंशानुक्रम देखो, वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता के गुणों का बच्चों में स्थानांतरित होना, उसी को बोला जाता है वंशानुक्रम। देखो बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक होती है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी जो होती है इसी को वंशानुक्रम बोला जाएगा, और वेरिएशंस होती है विभिन्नताएं। मतलब जेनेटिक्स में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक होता है वंशानुक्रम और दूसरी होती है विभिन्नताएं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो हमने शुरू कर लिया है वंशानुक्रम से। तो वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम मैंने जैसे बताया माँ बाप के गुणों का बच्चों में स्थानांतरित होना। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इसकी नाक इसके माँ जैसी है या इसके कान इसके पापा जैसे हैं, तो वो कान उसके पापा जैसे क्यों दिखाई दिए या उसके आंखें उसकी माँ जैसे क्यों दिखाई दी? उसका कारण यही है कि कुछ गुण माँ बाप के बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है वंशानुक्रम। और इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम किस प्रकार होता है, मतलब माँ बाप के गुण बच्चों में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। तो वंशानुक्रम तो यही हो गया माँ बाप के गुणों का बच्चों में स्थानांतरित होना। अब दूसरी क्या अपने हमने वेरिएशंस, मतलब विभिन्नताएं। विभिन्नताएं आप लोगों को पता भी होगा, विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग जीवों में अंतर। जैसे धरती पे कोई भी जीव एक दूसरे जैसे नहीं है, मतलब क्या उनमें विभिन्नताएं हैं। ऐसे जीव जो क्लोन है, मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं या अलैंगिक जन्म से जो पैदा होते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर विभिन्नताएं ना हो। उनमें विभिन्नताएं होती तो है लेकिन ना के बराबर बहुत कम होती हैं। तो असेक्सुअल से जिनमें जनन होता है, जैसे अगर हम गन्ने के खेत को देखें तो गन्ने को अलैंगिक विधि से उगाया जाता है, हमें पता है उसको कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाया जाएगा, और कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का एक मेथड है, एक तरीका है। तो जब गन्ने को उगाया जाता है तो सारे के सारे गन्ने एक जैसे ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही पेरेंट होता है और एक ही जनक का डीएनए सभी के अंदर जाएगा, तो उस जनक जैसे ही सारी संतान होएंगी, तो वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो उनमें भी भिन्नताएं कम होती हैं, लेकिन जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उन जीवों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो हम अपने आसपास जितने जीवों को देखते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है और इसलिए उनमें अधिक विभिन्नता दिखाई देती है। तो मनुष्य जो है वो भी लैंगिक जनन करता है, और यही कारण है कि कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं दिखते, कि सिर्फ उनको छोड़ के जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब देखो, जुड़वा बच्चे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जुड़वा बच्चे वो होते हैं जो एक जाइगोट से बनते हैं, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक युग्मनज बन जाता है तो उस युग्मनज से वो बीच से टूट जाता है कई बार, तो उससे दो संतान बन जाती है। वे संतान जो पैदा होंगी वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वो एक युग्मनज से बनी है, तो उनमें डीएनए भी एक जैसा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक लड़का पैदा हो जाता है, एक लड़की साथ में पैदा हो जाती है, वो भी ट्विन्स होते हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उसमें दो अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है अलग अलग। ठीक, तो जुड़वा बच्चे भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो
एक और बात, जो एक युग्मक से बनने वाली संतान होती है उनका सेक्स हमेशा एक जैसा होगा, मतलब वो या तो मादा होंगे दोनों या वो दोनों ही नर होंगे। तो वो अलग बात है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में भी भिन्नताएं बहुत कम आती हैं। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे हम कि उनमें भी भिन्नताएं कम क्यों आती हैं। अब हम पढ़ते हैं विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब अंतर। जैसे हम अगर मानव जाति में भी देखें तो कोई दो मनुष्य एक जैसे नहीं है, इवन दो ब्रदर्स भी एक जैसे नहीं होते, उनके बीच में कोई ना कोई भिन्नता जरूर होती है। जैसे हम देखते हैं अपने कानों को देखते हैं तो हमारे कानों का जो नीचे वाला हिस्सा, इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं, ईयर लोब। तो किसी में ये ईयर लोब फ्री है, जैसे ये फ्री है, किसी में ये बिल्कुल सटी हुई होती है तो उसको फ्यूज्ड बोलते हैं, जुड़ी हुई। तो ये विभिन्नताएं हैं। किसी में आपने देखा होगा जो ये ठोडी है ये नीचे से ऐसे, ये तो बिल्कुल पेनिसी है और जो तीखी है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनमें बीच में एक लाइन सी होती है थोड़ी वो, तो ये भी विभिन्नताएं होते हैं। आपने आंखों का रंग देखा होगा, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें ब्लैक होती हैं। तो ये विभिन्नताएं हैं, मतलब मनुष्यों के बीच में ही विभिन्नताएं हैं। तो वो विभिन्नता का कारण क्या है वो हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। तो हम देख लेते हैं कुछ चीजें जो इस पाठ के अंदर आने वाली हैं वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो पाठ में आएंगी, जैसे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? देखो ये हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में हम बार बार बोलते हैं कि केंद्रक में होती है डीएनए, और ये भी बोलते हैं कि केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। और मानव के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और ये होते हैं जोड़े में, मतलब 23 पेयर्स, 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। अब इसमें गुणसूत्र है कि डीएनए है, हम बार बार बोलते हैं इसमें डीएनए है, कभी बोल देते हैं गुणसूत्र है, उसका क्या मतलब है? देखो वैसे तो कोशिका के अंदर डीएनए है, और डीएनए क्या होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है, जैसे एक ऊन का गोला होता है ना, ऊन लपेट देते हैं, इस प्रकार से इसमें एक धागा सा पड़ा होता है, इस अपने ऊपर ही लिपटा हुआ ऐसे, ये धागे जैसी संरचना इसके अंदर पड़ी हुई है, इसका नाम है डीएनए। लेकिन जब ये कोशिका विभाजन करने पे आती है, जब इस कोशिका को एक से दो बनाने होते हैं, उस समय जो ये धागे जैसी संरचना होती है ये क्या कर लेती है, इसको अपने आप को बांटना होगा। जब ये कोशिका एक से दो बनेगी तो ये जो डीएनए है इसको भी तो अपने आप को बांटना पड़ेगा, तो इसलिए ये अपने आप को थोड़ा सख्त कर लेगी, मतलब अपने आप को एक दूसरे के ऊपर लपेट लेगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऐसे लपेट लेगी एक दूसरे के ऊपर, तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। कब दिखाई देंगे? जब ये कोशिका विभाजित करेगी, विभाजन करेगी, मतलब विभाजित होने वाली होगी, उस समय ऐसी संरचनाएं बन जाती है, इनको बोला जाता है गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र हमें विभाजन के समय दिखाई देते हैं। वैसे डीएनए होती है ऐसे धागे के रूप में, मतलब धागे जैसी संरचना होती है, नॉर्मल जो कोशिकाएं होती है उनमें तो ऐसे धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, लेकिन जब ये विभाजन करने पे आती है तो ये अपने आप को थोड़ी सी सख्त कर लेगी और रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब दंड रूपी आकार ले लेंगी, इनको बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। तो ये गुणसूत्र हमें जोड़े में दिखाई देते हैं, इसके अंदर फिर ये संरचना हमें पेयर में दिखाई देगी। भाई कैसे दिखाई देगी? जैसे इस प्रकार से ये एक जोड़ा इधर सा, इस प्रकार से ऐसे संरचना इसमें दिखाई देंगी। कब? जब ये विभाजन करने वाली होती है तो गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसे तो डीएनए पड़ी होती है, धागे जैसी संरचना होती है, लेकिन जब विभाजन का समय आता है तो वही डीएनए अपने ऊपर लिपट के और गुणसूत्र बना लेती है। अब बात आती है जीन क्या होता है। देखो जीन क्या होगा, जो डीएनए होती है, मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये डीएनए है, थोड़ी देर के लिए मान लेती है ये डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर छोटे छोटे से सेगमेंट है, ये एक छोटा सा टुकड़ा समझ लो, फिर एक छोटा टुकड़ा, फिर ये एक छोटा इसका, तो ये डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है इसको बोलते हैं जीन। ये क्या करता है? एक जीन हमारे एक करैक्टर को नियंत्रित करता है। करैक्टर क्या? गुण क्या? गुण। करैक्टर का मतलब हमारे गुण, जैसे मेरी आंखों का रंग एक गुण है, मेरी नाक का साइज कैसा है एक गुण है, ये ईयर लोब फ्री है कि फ्यूज है,
ये भी एक गुण है, मेरी स्किन का कलर एक गुण है, मतलब आगे वो कलर कैसा है ये अलग बात है, लेकिन कलर क्या हो गया, एक गुण हो गया, लंबाई एक गुण हो गया, ठीक है। तो एक जीन किसके लिए होगा, एक गुण के लिए होगा, मतलब एक जीन ही एक गुण को नियंत्रित करता है। अब कहोगे कि ये जीन किसी गुण को नियंत्रित कैसे कर सकता है, देखो हमारे शरीर में चीजों को नियंत्रित करने वाले हैं या तो हार्मोन या फिर एंजाइम, और सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब प्रोटीन से ही बनते हैं एंजाइम, और प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो प्रोटीन का निर्माण करने वाला होता है जीन, मतलब ये खुद तो निर्माण नहीं करता लेकिन ये सूचना देता है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है, मतलब ये जिस तरह का प्रोटीन बनवाएगा वो प्रोटीन आगे जाके वही काम करवाएगा, जिस तरह का ये हार्मोन जो होते हैं वो भी बहुत सारे प्रोटीन से ही बनते हैं, जब प्रोटीन ही ये बनवाता है तो हार्मोन भी तो इसी से बनेंगे, तो जिस प्रकार का ये हार्मोन बनाएगा या जिस प्रकार का ये प्रोटीन बनवाएगा आगे जाके वो वैसा ही काम करेगा। जैसे हमारी हाइट को, हमारी वृद्धि को, लंबाई को कौन नियंत्रित करता, ग्रोथ हार्मोन, और वो हार्मोन है, देखो ग्रोथ हार्मोन के कारण हम लंबे या बोने होंगे, अगर मेरे शरीर में ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन, और वो बनता किसे, प्रोटीन से, लेकिन उस प्रोटीन का निर्माण कौन करवाएगा, ये जीन करवाएगा, अगर ये जीन प्रभावी होगा शरीर में, मतलब ये काम करने वाला होगा तो ग्रोथ हार्मोन बना देगा, और ग्रोथ हार्मोन निकल के मेरे शरीर की वृद्धि करवा देगा, मतलब गुण है लंबाई तो मैं लंबा हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आदमी छोटा रह जाए, है तो लंबाई ही गुण, लेकिन लंबाई के दो रूप हो गए ना, एक तो बड़ा और एक छोटा, तो वो छोटा क्यों हुआ, क्योंकि इस जीन ने ठीक से काम नहीं किया, क्यों नहीं किया वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो जीन क्या हो गया, जीन एक डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है, और जीन ही किसी गुण को नियंत्रित करता है, कैसे करता है वो तरीका अलग है। देखो ये मास्टर होता, न्यूक्लियस होता है एक कोशिका का मास्टर होता है, सभी चीजों को ये नियंत्रित करता है बैठा बैठा, मान लो हेड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है वहां पे बैठा हुआ बंदा सब चीजों को कंट्रोल करता है, वो मैसेज देगा किसके थ्रू, जो उसके वर्कर होंगे, वर्कर आगे जाके दूसरे वर्कर्स को आगे जाके मैसेज देंगे, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जाके टीचर्स को मैसेज देगा कि आप ये काम करवाइए, टीचर्स जाके काम करवाएंगे किससे, बच्चों से, तो वैसे ही काम है हमारी बॉडी में भी, डीएनए तो मास्टर है, ये काम कैसे करवाएगा, ये बनवाएगा प्रोटीन कि भाई इस प्रकार का प्रोटीन बनना चाहिए, फिर वो प्रोटीन ने जाके काम करना है कैसे, प्रोटीन जाके सीधा ही काम नहीं करता, वो पहले अपने आप को डालता है किस रूप में, या तो एंजाइम के रूप में या फिर हार्मोन के रूप में, क्योंकि नियंत्रण करने वाले तो या तो एंजाइम है या हार्मोन है, हम पढ़ चुके हैं जो हमारे सेक्स की ग्रोथ करवाते हैं वो भी तो हार्मोन ही है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन बनता किससे है, प्रोटीन से, तो प्रोटीन को कौन बनवाता है, तो जीन, इस प्रकार जीन मतलब डीएनए ही सभी गुणों का नियंत्रण करता है, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये तो होगा जीन डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट, सबसे छोटा जो पार्ट होता है डीएनए का वो होता है एक जीन। अब डीएनए मैंने बता दिया, इसमें धागे जैसी संरचना होती है उसको डीएनए बोलते हैं, लेकिन डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो जिस प्रकार प्रोटीन एक जटिल यौगिक होता है, ऐसे ही डीएनए भी एक जटिल यौगिक है, इसके अंदर तीन चीजें जुड़ती हैं तब डीएनए एक, देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो चीज है ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बनती है तीन चीजों से, मैंने पहले बताया भी होगा, एक होता है इसमें भाई नाइट्रोजन बेस, एक होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है पेंटोज शुगर, मतलब थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे जुड़ा होता है एक नाइट्रोजन बेस, मतलब एक यौगिक होता है वो भी, ये समझ लो कि भाई ये हो गया एक क्या नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे जुड़ा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, जैसे
ये समझ लो डबल बॉन्ड ओ और ओ, इस प्रकार से ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो तीन जुड़ के ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया भाई शुगर, ग्लूकोज जैसी शुगर, बस फर्क क्या है इसमें पांच कार्बन है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीन चीज जुड़ के जैसे प्रोटीन किससे बना, प्रोटीन बना अमीनो अम्ल से, एक अमीनो अम्ल जुड़ा, दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ा, तीसरा, तो ये प्रोटीन बन गया अमीनो अम्लों के जुड़ने से। तो इन तीनों के जुड़ने से ये समझ लो एक यूनिट बनाएंगे। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट जुड़ेंगी तो बन जाएगा डीएनए, जिसको बोला जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं अंदर की बता रहा हूँ कि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर ये तीन चीजें आपस में जुड़ती हैं जो लंबी संरचना बना देते हैं जिससे डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है भाई, अब प्रभावी तथा अप्रभावी जीन क्या होता है, देखो ये तो वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, फिर भी मैं बता देता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मान लो लंबाई क्या है, लंबाई एक गुण है, लंबाई क्या है एक गुण है, और लंबाई को नियंत्रित करेगा कोई एक जीन, सभी गुणों को नियंत्रित करने वाला जीन ही होता है। तो हाइट, या अगर हम कहें लंबाई क्या हो गया, ये एक गुण, इसको कौन नियंत्रित करेगा, जीन, ठीक है। लेकिन हाइट लंबाई गुण है तो आगे ये दो रूपों में हो सकती है, या तो कोई वस्तु लंबी हो सकती है, ठीक है ना, लंबा हो सकता है, या दोना हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो तो सकता है ना, मतलब लंबाई तो एक गुण हो गया, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं रंग, किसी वस्तु का रंग, रंग तो एक गुण हो गया, लेकिन वो रंग रंगीन है कि नहीं है, आगे दो रूप हो गए ना उसके, तो उसके दो रूप हैं। तो ये दो लंबाई है, ये एक गुण, और इस गुण के दो रूप हैं आगे, तो इन दोनों रूपों को नियंत्रित करने वाला क्या है, जीन। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, मतलब अपना प्रभाव दिखा देगा, तो वस्तु हो जाएगी लंबी, मतलब इसने प्रभाव दिखा दिया तो लंबा हो गया, तो जीन हो गया प्रभावी। अगर इस जीन ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया तो इसके गुण उस वस्तु में नहीं जाएंगे, और नहीं गए तो क्यों, क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो ये जीन क्या हो जाएगा, अप्रभावी। मतलब क्या, अगर जीन अपने प्रभाव को दिखाता है तो वो प्रभावी जीन है, और अगर कोई जीन अपने प्रभाव को नहीं दिखाता तो वो बन जाता है अप्रभावी जीन। प्रभावी और अप्रभावी, ये मतलब इनको समझा गया है, और समझाने वाला कौन था, एक साइंटिस्ट था मेंडल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसने इन चीजों को अच्छे से समझाया है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो मैं ये बता रहा था, ध्यान रखना प्रत्येक गुण को, एक करैक्टर को एक जीन नियंत्रित करता है, और उस गुण के आगे दो रूप हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगी। जैसे कैसे हो गए भाई, जैसे मैं ये कह दूं कि फल की आकृति, फल की आकृति मतलब आकृति कैसी, कैसा होगा, या तो गोल होगा या गोल से दूसरा होगा, दो रूप हो गए। या मैं कहूँ कि भाई फूल का रंग, फूल या तो रंगीन होगा या फिर रंगहीन होगा, उसके दो रूप हो जाएंगे। तो प्रत्येक गुण के दो रूप होंगे, ठीक है, और उस गुण को नियंत्रित करने वाला जीन हो गया, तो इस जीन के भी तो फिर दो रूप हुए, क्यों, क्योंकि इसका एक रूप जो इसके प्रभावी गुण को नियंत्रित करेगा तो वो तो डोमिनेंट है, प्रभावी जीन हो गया, और इसका जो रूप एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को वो अप्रभावी जीन हो गया। तो एक जीन एक गुण को नियंत्रित करेगा, गुण के दो रूप हैं, तो जीन के भी दो रूप हैं। जो जीन उस रूप को मतलब जो रूप आना चाहिए उसको नियंत्रित करता है तो वो हो जाएगा प्रभावी जीन, और अगर वो नहीं दिखाता अपने गुण तो वो हो जाएगा अप्रभावी जीन, ठीक है भाई। तो ये होगा प्रभावी तथा अप्रभावी। अब बात आती है जीनोटाइप क्या होता है, लिखे ना जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये क्या होते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है इंटरनल जेनेटिक मेकअप, मतलब
अंदर की संरचना क्या है, और फिनोटाइप होता है कि इस जीनोटाइप से वो दिखाई कैसे दिया है। नहीं समझ में आया? देखो एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत की, उसमें एक उसने रोबोट बनाया, चिट्टी नाम का रोबोट था उसमें, तो उसने उसके अंदर एक चिप लगाई, उस चिप से उसने सारे अच्छे काम किए, मतलब उसने चिप घुसेड़ दी उसके अंदर, तो बाहर से दिखाई दे रहा है अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो वो जो चिप थी वो उसका समझ लो जीनोटाइप है, मतलब उसका जो इंटरनल मेकअप था। अब उसको वो चिप निकाल के उसमें रेड चिप घुसेड़ दी वो जो विलेन था उसने, तो मतलब वो रेड चिप घुसेड़ते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया, मतलब उस वो बाहर से कुछ अलग दिखाई देने लग गया। पहले उसमें कुछ अलग चिप थी, मतलब उसका मेकअप कुछ अलग था, तो वो बाहर से कुछ अलग दिखाई दे रहा था, अच्छे काम कर रहा था। अब उसने अंदर से कुछ दूसरी चिप लगा दी तो उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया, बाहर से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है इंटरनल जेनेटिक मेकअप का मतलब भाई इसके अंदर जीन किस प्रकार के हैं अंदर, और फिनोटाइप का मतलब है उस जीन का प्रभाव कैसे हुआ, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? जैसे मैं ये कह दूं कि टी मतलब मैं एक जीन को टी मान रहा हूं, लेटर से दिखा रहा हूं जीन को, और ये किस कौन से गुण के लिए है, टालनेस के लिए, मतलब लंबाई के लिए है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी क्यों, क्योंकि एक जीन के दो रूप है, तो ये दोनों एक जीन के रूप है। अगर ये ऐसे लिखे हैं तो इसके कारण, इन दोनों के कारण कोई पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा, कैसा, लंबा। तो ये जो दोनों हैं कैपिटल टी कैपिटल, ये तो हो गया जीनोटाइप, मतलब एक ऐसा डीएनए है उसके अंदर, जीन है, और इनके कारण जो बाहर से दिखाई देगा वो कैसा होगा, वो लंबा, मतलब लंबा हो गया वो इनके कारण। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कुछ? जैसे मैं कह दूं कि रंग के लिए किसी के अंदर जीन है, कोई रंग के लिए कोई जीन है भाई, कोई भी जीन मान लो, जैसे सी जीन मान लिया हमने कि, और मैं मेरे अंदर वो जीन है, प्रभावी है, वो अपना असर दिखा रहा है, तो मैं कैसा होऊंगा, उसकी वजह से कलर आएगा, बॉडी फेयर हो जाएगी। अगर वो जीन अपना रूप नहीं दिखाएगा तो, जब नहीं दिखाया तो बॉडी ब्लैक रह जाएगी। तो मेरे अंदर उस जीन का क्या रूप हो सकता है, या तो भाई वो सी था जीन, ये कैपिटल सी मतलब ये प्रभावी है, और एक जीन के दो रूप है, हमेशा जीन दो रूप में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं ये भी मैं भी बताता हूँ। जीन दो रूप में मिलते हैं तो दोनों जीन बड़े हैं मेरे अंदर, तो ये दोनों अपना असर दिखाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, फेयर कलर हो जाएगा। एक मान लो बड़ा है, एक इसके साथ छोटा है, इसका कोई असर नहीं लेकिन इसका असर है, और ये प्रभावी है इसके ऊपर, इसके प्रभाव को इसने छिपा लिया, तो कैसा दिखाई देगा, तब भी फेयर ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि तो प्रभावी है। अब मान लो दोनों ही छोटे हैं, दोनों छोटे होने का मतलब है जीन का प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि ये भी अप्रभावी, ये भी अप्रभावी, तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब देखो ये जो था ये होता है जीनोटाइप, इंटरनल मेकअप कैसा है जीन का, और ये फेयर मतलब इसका प्रभाव कैसा है, ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक होता है एक्सटर्नल फीचर्स कैसे दिखाई दिए, मतलब एक होता है चिप, जो अंदर चिप कैसी लगी है, रेड लगी है कि ग्रीन लगी है, रेड लगी है तो वो हो गया जीनोटाइप, और उस रेड के कारण वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, बाहर से राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो बाहर से जैसा दिख रहा है वो हो गया फिनोटाइप। ठीक है, तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब आता है F1 और F2 PD क्या होती है। देखो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब हम क्रॉसिंग करके देखेंगे, क्रॉसिंग का मतलब संकरण करवाएंगे, किसका, माँ बाप का। एक नर ले लेंगे, नर और एक मादा, लेकिन हम संकरण इसमें मानव में नहीं करवाएंगे, क्यों, क्योंकि मानव में संकरण का फायदा नहीं है, क्योंकि मानव में जो एक जनरेशन आती है फिर उसकी जब जनरेशन आएगी उनमें गैप बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो एक नर और मादा का संकरण करवा दिया, उनकी संतान भी पैदा होगी, लेकिन आगे उसकी जो संतान पैदा होगी वो तो 18-20 साल बाद होगी ना, तो इतना गैप नहीं होना चाहिए, मतलब इतने गैप में स्टडी नहीं हो सकती। तो नर और मादा मतलब कोई प्लांट ले लेंगे, अब प्लांट के ऊपर स्टडी करके देखेंगे, तो नर और मादा जब इनका संकरण करवाएंगे तो जो पहली पीढ़ी निकल के आएगी उसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। ठीक है, F1 PD, समझ गए।
F1PD, और F1PD जब F1PD में मान लो एक नर पैदा हो गया, एक मादा पैदा होगी, ये मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। अब ये आपस में जब जनन करेंगे तो जो पीढ़ी निकल के आएगी उसको बोलते हैं F2PD, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो ये समझ लो जैसे एक दादा, उसकी जो औलाद है बेटा, ये होगी F1, आगे इसके जो इस दादा का पोता जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गई F2 जनरेशन, ठीक है भाई, पोता इसका क्या हो गया F2 जनरेशन। तो इस प्रकार से पहली जो संकरण के बाद पहली जो संतान उत्पन्न होती है उसको F1 जनरेशन बोलते हैं, और जो दूसरी F1 के जो संतान पैदा होती है उसको बोलते हैं F2PD। ये मैं जनरल टर्म्स बता रहा हूँ, ये आगे आने वाली है पूरे पाठ में यही चलनी है, बस फिनोटाइप जीनोटाइप F1 क्या है F2 क्या, ठीक है, तो इनको समझ लेना भाई। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल कौन था, देखो G.J. Mendel, ग्रेगर जोहन मेंडल, इसका पूरा नाम था भाई, इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1822 में पैदा हुआ था ये, ठीक है, और इसके फादर जो थे पादरी थे। 1822 में पैदा हुआ, मैथमेटिक्स में इसका इंटरेस्ट था काफी, मैथमेटिशियन था वैसे, लेकिन ये बायोलॉजी की भी इसने स्टडी की, मैथमेटिशियन था तभी इसने सब सारी की सारी कैलकुलेशन अच्छे से रखी थी तभी ये कामयाब हुआ। 1822 में पैदा हुआ और 1859 में इसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया मटर के पौधे के ऊपर, मटर का पौधा लिया था इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मटर का पौधा क्यों लिया ये भी हम पढ़ेंगे, पेपर में आता है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था। तो 1859 में इसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया किसके ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट कर करके 1866 में इसने अपनी फाइंडिंग्स को रिलीज किया, मतलब इसने अपने जो रिजल्ट निकाले थे वो रिजल्ट 1866 में इसने पब्लिश कर दिए थे। अब उन रिजल्ट को देख के किसी को यकीन नहीं हुआ इसकी बात पे, किसी भी वैज्ञानिक ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, डार्विन था या लामार्क थे, ऐसे ऐसे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका बोलबाला ज़्यादा था उस टाइम पे। तो इसकी थ्योरी को माना नहीं उसने, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, मतलब उसने वंशानुक्रम के कुछ नियम बताए इसने, तो 1866 में बता दिए, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। 1884 में इसकी होगी डेथ, 1884 में इसकी डेथ होगी। उसके बाद इसके 16 साल बाद मतलब 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्टों ने फिर वंशानुक्रम का अध्ययन किया फिर से, और जो रिजल्ट निकला वो वैसा ही था जैसा मेंडल बता के गया था तब 1866 में। मतलब क्या, 1900 में उसकी मृत्यु के भी 16 साल बाद वैज्ञानिकों ने वो रिजल्ट निकाला जो मेंडल ने कब बता दिया था, 34 साल पहले बता दिया था। मतलब मेंडल ने क्या किया, बहुत आगे की बात पहले बता दी, इसलिए वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ, ठीक है, और उसको बिल्कुल उसका उस टाइम मतलब उसके जीते जी उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन बाद में जब पता चला तो सभी ने मान लिया कि मेंडल ही सच में इस चीज़ का मतलब ज्ञाता था, इसलिए उसको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये थी भाई मेंडल की थ्योरी, मतलब मेंडल की थोड़ी हिस्ट्री। अब मेंडल ने चूज किया था किसको, मटर के पौधे को। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया, उसके लिए कुछ मतलब रीजन थे उसके, चलो हम वो रीजन कि उसने मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में शुरू करते हैं, थैंक यू।